शिव, शिव का रूप अलग है, शिव का स्वरूप है रुद्राक्ष। जानिए अलग अलग रुद्राक्ष को धारण करने के क्या फायदे हैं। पुराणों में रुद्राक्ष को देवों के देव भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से, आंसुओं से हुई है। मान्यता यह भी है कि रुद्राक्ष पहनने से इंसान की मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं। जो इसे धारण करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखों से भर जाता है। रुद्राक्ष के हर एक मुख का अलग महत्व होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से रुद्राक्ष होते हैं और इनको पहनने के क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात एक मुखी रुद्राक्ष की करेंगे। एक मुखी इसे साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहती। एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ माना जाता है। माना जाता है कि इसे धारण करने से व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। दो मुखी रुद्राक्ष, पुराणों में दो मुखी रुद्राक्ष को शिव शक्ति का स्वरूप माना गया। इसे धारण करने से आत्मविश्वास और मन की शांति प्राप्त होती है और इसे धारण करने वाले कई तरह के पाप से दूर रहते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में जान लीजिए। इस रुद्राक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिगुणात्मक शक्तियां होती हैं। ये परम शांति, खुशहाली दिलाने वाला रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से घर में सुख, संपत्ति, यश, सौभाग्य सब मिलता है। अब जानिए कि चार मुखी रुद्राक्ष क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा का रूप माना जाता है। ये इंसान को जीवन का उद्देश्य, काम और मोक्ष देने वाला बनाता है। त्वचा के रोग हो, मानसिक क्षमता, एकाग्रता की कमी हो, रचनात्मकता में कमी हो, ये रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे चार मुखी, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, ऐसा माना जाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष के भी अपने फायदे हैं। इसे रुद्र का साक्षात स्वरूप बताया गया है। ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और माला के लिए इसी रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। इसको पहनने से मंत्र शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। इसे भगवान कार्तिकेय का रूप माना जाता है और इसे ज्ञान और आत्मविश्वास के लिए खास तौर पर पहना जाता है। इसे दाहिने हाथ में पहनना चाहिए, ऐसा माना जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष को सप्त ऋषियों का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने से आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है और इसके धारण से मंत्रों का जप अगर आप करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। इधर अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टभुजा देवी और देवों में सबसे पहले पूजे जाने वाले गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और इसे धारण करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, मुकदमों के मामले हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों को भी दूर करता है। नौमुखी रुद्राक्ष नवदुर्गा तथा नवग्रह का स्वरूप होने के कारण अधिक फलदायी और सुखदायक भी होता है। ये अकाल मृत्यु को दूर हटाने वाला, धन, यश और कीर्ति प्रदान करने वाला होता है। दस मुखी रुद्राक्ष भी होता है और ये रुद्राक्ष भी भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से जो एस्थमा, जो दमा के पेशेंट हैं, गठिया, पेट के रोग से संबंधित, आंखों से संबंधित जो रोग हैं, उनसे छुटकारा मिलता है। इन सब के अलावा नकारात्मक शक्तियों से भी ये आपको बचाता है। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी जान लीजिए। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष को साक्षात रुद्र कहा गया है। जो इसे शिखा में धारण करता है उसे कई हजार यज्ञ कराने का फल मिलता है, ऐसा माना जाता है। बारह मुखी रुद्राक्ष भी शुभ माना जाता है और इसे कान में धारण करते हैं। इसे धारण करने से धन, धान्य और सुख की प्राप्ति होती है। तेरह मुखी रुद्राक्ष भी होता है। इसे धारण करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चौदह मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी जान लीजिए। इसे धारण करने से मनुष्य ईश्वर के समान पवित्र हो जाता है और इसे माना जाता है कि इसे सिर पर धारण करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।